इस बुलेटिन के प्रायोजक है पद्मा पाइप्स। नमस्कार, मैं लोकेश मकवाना। दिन भर के ताजा तरीन समाचारों के साथ बने रहिए सिर्फ खबर 24 न्यूज पर। बात करते हैं झालावाड़ जिले मंदसौर जिले की तमाम खबरों के साथ। बात करते हैं भवानी मंडी से। भवानी मंडी में आज बाल निकेतन विद्यालय में आत्मनिर्भर बनाने के लिए निर्भीक ऑपरेशन की एक शुरुआत की गई, जिसमें जिले में जिला SP ऋचा तोमर के निर्देशानुसार सभी छात्राओं को गुट सिखाए जा रहे हैं। ऐसे में CI महेश सिंह चारण के नेतृत्व में आज बाल निकेतन स्कूल में पहुंचकर वहां के छात्राओं को आत्मनिर्भर कैसे बने और कैसे वहां पर अपने बचाव के लिए क्या क्या सुरक्षा के उपाय होने चाहिए, ऑपरेशन निर्भीक के लेकर जानकारी दी गई। ऐसे में वहां पर वहां के प्रधानाचार्य चौधरी जी और थानाधिकारी महेश सिंह चारण ने छात्रों को एकत्रित कर आत्मनिर्भर और वहीं गुट सिखाए गए। बात करते हैं झालावाड़ से। झालावाड़ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सैयद ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के तहत चिरंजीवी मैराथन दौड़ का आयोजन रखा गया है, जिसमें प्रातः 7 बजे से मिनी सचिवालय में जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित पर उपस्थित रही। वहीं अतिथियों द्वारा भी हरी झंडी दिखाकर वहां रवाना किया गया। चिरंजी योजना में संदेश देते हुए बताया गया कि मैराथन दौड़ में वहां हमने एक शुरुआत की है। ऐसे में सचिवालय से प्रारंभ होकर मामा भांजा चौराया, जिंदल मेडिकल चौराया, बस स्टैंड, सुभाष चौराया होते हुए खेल संकुलन में विजेता सम्मान का कार्यक्रम हुआ। उपखंड क्षेत्र के पचपाड़ प्रशासन गाँव के संग फॉलोअप कैंप का आयोजन रखा गया। तहसील कार्यालय में पचपाड़ में आयोजन किया गया, जिसमें नामांतरण में 104 प्रकरण प्राप्त हुए। वहीं राजस्व अभिलेख खाताओं में शुद्धिकरण के लिए 18 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। सीमा ज्ञान में 3 प्रकरणों का भी निस्तारण किया गया। ये जानकारी उपखंड अधिकारी कमल सिंह मीणा द्वारा दी गई। बात करते हैं झालावाड़ जिले के आला नेता गुजरात के विधानसभा चुनाव में वहाँ कांग्रेस की एकजुटता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में डग विधानसभा पूर्व विधायक इसलन लता भी वहां गुजरात पहुंची। प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाई के निर्देश के बाद विधानसभा गुजरात पहुंचकर वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में वहीं भाजपा को भार करना है। ऐसे में विफल लेकर वहां ये कार्यक्रम लगातार किया जा रहा है। इसलन लता आर्यवीर के साथ वहाँ लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। अब बात करते हैं झालावाड़ जिले के रायपुर से। रायपुर पुलिस थाना क्षेत्र के कलाई तलाई गांव के दौरान अलग अलग स्थानों पर चल रहे जुओं के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। ऐसे में थानाधिकारी ने बताया कि तलाई के पास आम रोड के ढाबे के पास वहाँ कार्रवाई की गई। वहीं ताश के पत्तों पर जुआ खेल रहे थे। वहीं सुवास निवासी आनंद सिंह, रायपुर निवासी नंदकिशोर कलाल, मोहनलाल, झालरापाटन निवासी यशवंत आदि वहां जुआरी मौजूद थे। अब बात करते हैं डग से। डग मेहंदीपुर सहित कई आसपास के गांवों में बारिश से सोयाबीन का अन्य लगभग कटना तय माना जा रहा था। ऐसे में इंद्र देवता मेहरबान हो गए और काफी फसलों को नुकसान पहुंचा दिया। ऐसे में सोयाबीन की खराबी भी मानी जा रही है। अब किसानों की चिंता सताई जा रही है कि कब उनको इसका मुआवजा मिल पाएगा। ऐसे में खेत के किसान वहां अपनी फसलों की तो आगे रोना रो रहे हैं। अब बात करते हैं गंगधार से। झालावाड़ खेती किसान का तुक्का हो गई है, यानी कि सलामत फसल कट जाए तो समझो बड़ी गनीमत होती है, वरना कुदरत का प्रकोप कहीं ना कहीं सामने नजर आता है। बीते 2 दिनों में लगातार बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर तोड़ रखी है। जब फसल खेत पर खड़ी होती है तो काफ़ी चिंता सताई जाती है, लेकिन कटने के बाद भी फसलें बर्बाद हो जाती है। ऐसे में अन्न देवता बेसम बारिश को लेकर मार झेल रहे हैं। किसान खेतों में जाकर बर्बाद फसलों की मायूसी भरी निगाहों से उन्हें देख रहे हैं। बारिश हो रही है तो क्या प्रभाव पड़ा फसलों के ऊपर? फसलों देखो, आप भी देखो, आईने में कहीं भी दिक्कत वन पर कहीं कदम देखी देखी जान मको तो जी कहीं हमारा वालों होना वालो ऊपर वाले भी धनी को धनी वालों ये सरकार जाने ने जो काम जाने बर्बाद कहीं मतलब ये खेती इसमें देखा हमने रोगा मतलब बहुत परेशान हो गया। अभी क्या कर रहे हैं? अब बात करते हैं सुनील से। सुनील कस्बे सहित आसपास क्षेत्र के गुरुवार को रात्रि को मूसलधार बारिश हुई है, जहीं सुबह से बादलों में की आवाजाही लगी है। ऐसे में बारिश का अपना प्रचंड रूप दिखाया, जिसके चलते किसानों में भी मायूसी छा गई है। वहीं
किसान भी परेशान हो रहे हैं। किसानों ने चेहरे पर मायूसी देखी नजर आती है। ऐसे में फसलों का नष्ट होना, उड़द मक्का फसलें कट रही थी और अब बात करते हैं कि कब इनको मुआवजा मिलेगा और कब इनके गिद्दावरी की जाएगी और कब इनके खेतों में पटवारी पहुंचेगा और कब इनकी नापी होगी। सुनेल में बोरा समाज ने भी दाऊती बोरा समाज ने जुलूस निकाला। ईद मिलादुन के त्यौहार पर जगह जगह मार्गों पर उनका स्वागत हुआ और वहीं सुनेल कस्बे में कई मार्गों पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। सुनेल में पंचायत समिति में सभाग्राम में पंचायत प्रधान सीता कुमारी भील की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। वहीं करीब अधिकारी उपस्थित नहीं होते हुए वहाँ जनप्रतिनिधि भी नाराज हुए। ऐसे में बैठक के दौरान कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। ऐसे में चौली परियोजना को लेकर भी शिकायत दर्ज हुई। अधिकारी की उपस्थिति न होना और पूर्व में बैठक में मुद्दों में कार्रवाई न होना, इसको लेकर जनप्रतिनिधि में रोष जताया जा रहा है। वहीं बताया गया है कि पूर्व जिला कलेक्टर के द्वारा पंचायत समिति की जन सुनवाई की गई थी। इस दौरान प्रधान ने बैठक में अधिकारियों को उपस्थित नहीं होने की भी बात कही थी। सुनेल ग्राम पंचायत सेमली राजकीय माध्यमिक विद्यालय में 68वें वन जीवन पेड़ पर संरक्षण सप्ताह मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गांव में रैली निकाल कर की गई। कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों ने वन भ्रमण करवाया। इसके लिए बच्चों को वृक्षारोपण कार्य की जानकारी दी गई। वहीं पेड़ पौधे के बारे में भी विस्तार रूप से छात्र छात्राओं को जानकारी दी गई। मंदसौर में जिला कलेक्टर गौतम सिंह ने सभी राजस्व अधिकारियों के निर्देश के साथ एक बैठक आयोजित की गई। वर्षा के षष्ठीग्रह को लेकर वहीं मामला सामने आया। ऐसे में राजस्व अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, कई अधिकारी मौजूद रहे और खराबी फसलों को लेकर जल्द से जल्द वहां मौका मायना करने की बात कही। बात करते हैं कोटा जिले के सांगुस से। गोवंश लंपी वायरस बीमारी को लेकर गोवंश को लेकर एकजुट होकर रोग को बचाने के लिए उपखंड अधिकारी राजेश कुमार डागा ने गेहूँ के बैंक कमेटी के सदस्यों को एक स्थानीय जनप्रतिनिधियों का निर्णय लिया और साथ में आयुर्वेदिक लड्डू वहाँ वितरण किए जा रहे हैं। कई समय से लंपी बीमारी को लेकर डागा ने लगातार किसानों के साथ बैठकर, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर एक लड्डू गेहूँ बनाकर गायों को खिलाया जा रहा है, जिससे लंपी बीमारी की रोकथाम की जाएगी। खबर 24 न्यूज हमेशा खबरों में हमेशा रहता है आगे। छोटी से बड़ी खबरें दिखाने का करता है प्रयास। आपके गांव की, शहर की खबरों को सतर्कता से दिखाने की करता है कोशिश। ऐसे में आपका फर्ज बनता है कि आपके आसपास हो रही घटित घटना हो, समाज की खबरें हो, तो आप तुरंत हमारे नीचे चल रहे स्लॉट के नंबर पर आप भेज सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए भी आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। आने वाले दिवाली में आपके व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भी आप हमें ऐड या विज्ञापन दे सकते हैं। हमारा आपको पता मालूम है, जवाहर कॉलोनी, भवानी मंडी, जिला झलावाड़, बस स्टैंड के पास। खबर 24 न्यूज, हर कदम आपके साथ, 6 साल बेमिसाल। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे पद्मा पाइप्स। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचोरी एंड मिस्टर भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरा लाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार, विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजेटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, बहानी मंडी। चक्की चल रही कबीर बैठा रोई, दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जिको।
एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे आ दूर देश रहे मामला अब साहिब ने महल बनाई बन जा रहा रे बन जा रहा रे हा गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जा रहा हूँ छोड़ के मत जाओ एक नीरा बन जा रहा रे बन जा रहा रे